आपने अगर स्किप नहीं किया होगा तो आपको, तो देखिए यहाँ से व्यू वो दिख गया जिसके बारे में बोल रहा था, मतलब कैंडीमैन ब्लॉग गांधी संग्रहालय लिखिए। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं आपको आज एक नए मॉल दिखाने ले जा रहा हूँ, अंबुजा सिटी मॉल, जो कि आपको पता चल जाए कहाँ पर है। हम लोग अभी गांधीनगर पहुँचने वाले, मैं NIT से होकर आ रहा हूँ, तो बिल्कुल हम लोगों को सीधे जाना है, कोई लेफ्ट राइट टर्न नहीं लेना है। आप लेफ्ट टर्न लोगे तो फिर स्टेशन और सिनेमा हॉल की तरफ चले जाओगे, तो हम लोगों को जाना नहीं है। हम लोग जाएंगे बिल्कुल सीधे गोलघर की साइड, तो ब्लॉग में बने रहिए गाइस, बिना स्किप का देखिएगा। बहुत कोई ब्लॉग में पूछते हैं कहाँ है क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, तो स्किप आप लोग किया मत करो, स्किप कर देते हो तो वीडियो आपको पता नहीं चलता है लोकेशन। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं NIT से बिल्कुल सीधे स्ट्रेट हो रहा हूँ और सीधे आ रहा हूँ और गांधी मैदान की तरफ हूँ। कारगिल चौक से हम लोगों के जा रहे हैं गाइस, गांधी मैदान कारगिल चौक याद रखिएगा। अब गोलघर हम लोग को निकलना है, इधर भी आप लोग जा सकते हो इधर से भी, बट उधर से हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा घिसर विसर हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। संजेवियर हाई स्कूल के साइड से आगे से आप लोग जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं गोलघर होके, तो गोलघर वाला सही रहेगा। अब फिर से यही बोलूँगा, स्किप मत करिएगा। और गांधी संग्रहालय पर मैं व्लॉग बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा। बस आपको यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम लिखना है और उस जगह का नाम खुद ही आ जाएगा, मतलब कैंडीमैन ब्लॉग गांधी संग्रहालय लिखिएगा तो आ जाएगा, ये गांधी संग्रहालय। और गोलघर पर भी मैं ब्लॉग बना चुका हूँ, यहाँ का मतलब पास में लगभग जो भी है उसका सब मेरा ब्लॉग आ चुका है। ये पटना गोलघर, इस पर मैं अच्छा सा ब्लॉग बना चुका हूँ, अंदर क्या है क्या नहीं है घूमने के लिए। नए साल में तो बहुत भीड़ भाड़ है, आप कहीं भी जाइए हर जगह भीड़ है देखने वाला आपको। तो अभी तो हम लोग अंबुजा मॉल देखने वाले हैं, अब यहाँ से हम लोग टर्न ले लेंगे, आगे भी आप लोग जा सकते हैं, तो यहीं से हम लोग कट कर लेते हैं। गोलघर के आगे बस एक आपको टर्न लेना है, फिर स्ट्रेट जाएंगे हम लोग, यहाँ से भी फिर आगे जाके एक राइट टर्न लेंगे, अभी राइट लेफ्ट चलते रहेगा। देखिए ये खाली है, मतलब आगे से भी हम लोग आ सकते थे, तो ये रूट खाली, इसलिए मैं गली गली ही आपको लेकर चल रहा हूँ। आगे हम लोग जाते ना तो अभी उधर से आते लोधीपुर, ये एरिया जो है लोधीपुर है, जहाँ पर अभी हम लोग हैं ये लोधीपुर है। तो ये देखिए वो दिख गया जिसके बारे में बोल रहा था, यही है गाइस, वो काफ़ी खूबसूरत है और भव्य बहुत बड़ा है। ये देखिए गाइस, अभी काम चल रहा है, देख रहे वर्कर सब अभी काम कर रहे हैं, अभी ये लगता है मुझे अगले साल तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मॉल है जो अंबुजा सिटी सेंटर मॉल, पूरा नाम है इसका। ये ग्लास वाला जो दिया है डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, तो देखिए यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। ये वाला जो दिया है छतरी जैसा डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है मेरे को। तो अभी गाइस हम लोग हैं अंबुजा सिटी सेंटर मॉल के पास, जो कि अभी बन रहा है, अगले साल तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा मुझे लगता है। और हम लोग अभी हैं लोधीपुर, बहुत जल्दी आ गए, आपने अगर स्किप नहीं किया होगा तो आपको लोकेशन पता चल गया होगा। तो अब मैं यहाँ से पानी निकलने वाला हूँ, यही था हमारा सिटी सेंटर मॉल, अच्छा से आप लोग देख लीजिए, काफ़ी बड़ा मॉल है यार, ये बहुत ही खूबसूरत है, अंदर जाने देता तो मज़ा आ जाता। एस्केलेटर लगता है बाहर ही लगा रहेगा, जो सीढ़ी चल के जाता है वो देख रहे हैं शुरू में आपको मिलने वाला गेट के पास, एस्केलेटर उसको बोलते हैं। तो सीढ़ी पे आप लोग चल के जा सकते हैं और वो सीढ़ी जो चलता है एस्केलेटर उस पर भी आप लोग जा सकते हैं। तो फाइनली गाइस मैंने आपको दिखा दिया अंदर, तो मैंने पूछा बट परमिशन नहीं है जाने के लिए, किसी को नहीं जाने का अलाउ है, जो पहले गए होंगे बोले वो गए होंगे, बट नहीं अंदर नहीं जाना है, मीडिया को भी नहीं जाने देते हैं। तो देखने से लग रहा है कि देख रहे अभी काम चल ही रहा है। तो ये 2022 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, समझिए अगले साल तक ये आपको मॉल एक बड़ा सा पटना में भव्य मॉल बिग मॉल मिलने वाला है। 2022 लग ही जाएगा, पूरा साल खींच लेगा मेरे को लगता है। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ गाइस, आपको लोकेशन पता चल गया होगा। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर और हमेशा खुश रहिए।